हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे सिंदबाद का एक अमेजिंग एडवेंचर, जहां उसका सामना अशांति की देवी एरिस से होता है, जो एक मैजिकल बुक के थ्रू दुनिया में अशांति फैलाना चाहती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या सिंदबाद और उसके दोस्त उसे रोक पाएंगे। तो मूवी की शुरुआत में हमें अशांति की देवी एरिस को दिखाया जाता है, जो इस दुनिया की शांति को भंग करना चाहती है। तभी उसकी नज़र सिराकस राज्य के एक रॉयल शिप पर पड़ती है, जिसमें बुक ऑफ पीस नाम की एक ऐसी मैजिकल किताब है जिसकी पावर्स दुनिया में शांति बनाए रखती हैं। यही सिंदबाद नाम का एक लुटेरा भी उनका पीछा कर रहा है, जो इस बुक को चुराना चाहता है ताकि इसे बेचकर अच्छा पैसा कमा सके और फिजी में रिटायर होकर एक अच्छी लाइफ गुजार सके। ये देखकर एरिस भी अपने एक मिथिकल बीस्ट को उस बुक को चुराने के लिए भेजती है। उधर सिंदबाद भी रॉयल शिप तक पहुंच जाता है और अपने साथियों के साथ मिलकर सभी सैनिकों को हरा देता है। तभी वो अपने बचपन के दोस्त प्रोटियस को देखता है, जो शिप का कैप्टन होने के साथ साथ सिराकस सिटी का प्रिंस भी है। पता चलता है कि सिंदबाद और प्रोटियस बचपन में बहुत अच्छे दोस्त थे और आज वो 10 साल बाद मिल रहे हैं। प्रोटियस सिंदबाद को बताता है कि तुम इस बुक को नहीं चुरा सकते, क्योंकि ये बुक ऑफ पीस पूरे 12 सिटीज को प्रोटेक्ट करती है। जिस पर सिंदबाद कहता है कि फिर तो मैं इसके बदले इन सिटीज से ढेर सारा पैसा मांग सकता हूँ। इस बात पर उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और तभी एरिस का भेजा हुआ वो बीस्ट भी वहाँ आ जाता है। वो बीस्ट वहाँ शिप पर तबाही मचाने लगता है, लेकिन सिंदबाद और प्रोटियस अपनी चालाकी से उसे मार डालते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो लोग जीत चुके हैं, लेकिन वो बीस्ट डूबते हुए सिंदबाद को अपने एक टेंटिकल में फंसा लेता है और उसे लेकर पानी की गहराइयों में चला जाता है। वहाँ उसका सामना एरिस से होता है, जो उसे बीस्ट के चंगुल से छुड़ा लेती है। वो बताती है कि मैं अशांति की देवी एरिस हूँ और जो बीस्ट तुमने मारा है वो असल में मेरा ही भेजा हुआ था, और इसके बदले अब तुम्हें मुझे वो बुक लाकर देनी होगी। इस पर सिंदबाद कहता है कि वो बुक तो मैं अपने लिए चुराना चाहता हूँ ताकि खुद को अमीर बना सकूँ, लेकिन एरिस कहती है कि अगर वो तुम मेरे लिए चुराओगे तो मैं तुम्हें छोड़ भी दूंगी और तुम्हें जिंदगी भर के लिए अमीर भी बना दूंगी। और सिंदबाद भी लालच में आकर उसकी शर्त मान जाता है। आगे एरिस उसे बताती है कि बुक चुरा कर तुम्हें उस स्टार की डायरेक्शन में आना होगा जहाँ मेरा मैजिकल किंगडम बसा हुआ है, और ये कहकर उसे उसके शिप पर वापस भेज देती है। सिंदबाद अपने दोस्तों को ये सारी बात बताता है, लेकिन उन्हें उसकी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं होता और सिंदबाद बुक को चुराने के लिए सिराकस जाने का प्लान करता है। आगे का सीन सिराकस राज्य का है, जहां बुक को पीस को उसकी सही जगह पर रख दिया गया है और इससे वहां का किंग बहुत खुश होता है। सिंदबाद भी जल्दी ही वहां पहुंच जाता है और इससे पहले कि सोल्जर्स उसे अरेस्ट कर पाए, प्रोटियस उसे उनसे बचा लेता है। फिर वो सिंदबाद को अपनी फियोंसे मैरीना से मिलवाता है, जिसे देखते ही सिंदबाद के चेहरे पर मायूसी छा जाती है और वो अपने साथियों के साथ पहले से बाहर निकल जाता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि एरिस भी छुपकर ये सब देख रही है। आगे हम मैरीना और प्रोटियस को देखते हैं, जहां पता चलता है कि मैरीना को समुद्र की लाइफ बहुत पसंद है और उसका सपना है कि वो यहां से निकलकर पूरी दुनिया घूम सके। प्रोटियस जानना चाहता है कि क्या वो सच में उससे शादी करना चाहती है, लेकिन तभी भागते हुए उसके डैड वहाँ आते हैं और कहते हैं कि मुझे मरीना से एक जरूरी बात करनी है। यही दूसरी तरफ हम बुक ऑफ पीस वाले टावर को देखते हैं, जहाँ एरिस खुद उस बुक को चुराने आई है और ऐसा करने के लिए वो सिंदबाद का रूप लेती है। बुक को चुराते ही वो जगह ढहने लगती है और पूरे राज्य में अंधेरा छा जाता है। वो लोग इसके लिए सिंदबाद को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन वो प्रोटियस से कहता है कि ये सब अशांति की देवी एरिस का काम है और वो मुझे यहाँ फंसाना चाहती है। इसके बाद उसे कोर्ट के सामने लाया जाता है, जहाँ जूरी उसे मुजरिम मानती है और कहती है कि इसके लिए तुम्हें मौत की सजा होगी। तभी प्रोटियस वहाँ आता है, जिसे शायद सिंदबाद की बातों पर यकीन हो गया था, और वो कहता है कि बुक सिंदबाद ने नहीं बल्कि एरिस ने चुराई है और हमें उसे बुक वापस लाने का एक मौका देना चाहिए। वो सिंदबाद के बदले खुद को अरेस्ट करने को कहता है, जिस पर जूरी उसे वॉर्न करती है कि अगर सिंदबाद बुक वापस लेके नहीं आया तो उसके बदले तुम्हारी जान चली जाएगी। प्रोटियस के डैड भी उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन वो अपना फैसला बिल्कुल नहीं बदलता, क्योंकि उसे अपने दोस्त पर पूरा भरोसा है। तब जूरी सिंदबाद को 10 दिन का वक्त देती है ताकि वो उस बुक को वापस ला सके, वरना उसके बदले प्रोटियस को मार दिया जाएगा। सिंदबाद भी शिप लेकर निकल पड़ता है, लेकिन पता चलता है कि उसे बुक वापस लाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो तो अपने साथियों के साथ फिजी जाने वाला है। उसे लगता है कि किंग अपने इकलौते बेटे को कुछ नहीं होने देगा और उन्हें प्रोटियस की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
ये कहकर वो अपने रूम में चला जाता है, लेकिन देखता है कि मरीना भी छुपकर उनके साथ आ गई है, क्योंकि उसे मालूम है कि सिंदबाद धोखा देने में बहुत माहिर है। वो उसे मतलबी और धोखेबाज बुलाती है, जिस पर सिंदबाद कहता है कि ना ही मैंने वो बुक चुराई है और ना ही प्रोटियस को मेरी सजा अपने सर लेने को बोला था। मरीना समझ जाती है कि बिना लालच सिंदबाद उसकी बात नहीं मानेगा, और तब वो अपने साथ लाए कुछ डायमंड्स उसे देती है, जिसे देखकर सिंदबाद उसकी बात मान जाता है। वो सब एरिस के किंगडम की ओर जाने लगते हैं, और एरिस ये देखकर कहती है कि लगता है अब इन्हें सबक सिखाना ही होगा। इधर सिंदबाद और उसके दोस्तों का एक संकरा रास्ता नजर आता है, जहाँ थोड़ी सी गलती भी उनके शिप को क्रैश कर सकती है। अंदर उनका सामना कुछ सायरन से होता है, जिन्हें भेजने वाली एरिस ही है, और वो अपने गानों से सभी आदमियों को वश में कर लेती हैं। लड़की होने के कारण मरीना पर उनका कोई असर नहीं होता, और इससे पहले कि उनका शिप क्रैश हो जाए, मरीना उसे कंट्रोल करके सेफली बाहर ले आती है। सेलर्स को भी जल्द ही होश आ जाता है, और सिंदबाद को ना चाहते हुए भी मरीना को थैंक्स बोलना पड़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि लड़कियां शिप को कभी नहीं चला सकती। यही एक सीन में हम प्रोटियस को देखते हैं, जिसके डैड उसे जेल से भागने को बोलते हैं, लेकिन प्रोटियस ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि मुझे अपने दोस्त पर पूरा भरोसा है। इधर सिंदबाद और उसका क्रू एक आइलैंड पर रुकते हैं ताकि अपने टूटे हुए शिप को रिपेयर कर सके, और यहाँ सिंदबाद और मरीना के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। मरीना उसे हिट करने के लिए एक पत्थर को उठाती है, और तभी वो पूरा आइलैंड हिलने लगता है। पता चलता है कि ये कोई आइलैंड नहीं बल्कि एक जाइंट फिश है, और ये देखकर वो सब भागते हुए अपने शिप पर आ जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि फिश तेजी से उस स्टार की ओर ही जा रही है, और सिंदबाद एक हुक को उस फिश पर लगा देता है ताकि वो भी तेजी से अपने मंजिल तक पहुंच सके, पर स्पीड बहुत तेज होने की वजह से उन्हें उस रस्सी को काटना पड़ता है। मरीना सिंदबाद से उसकी और प्रोटियस की दोस्ती के बारे में पूछती है, और वो बताता है कि बचपन से ही मैं छोटी मोटी चोरियां करता था और एक दिन सोल्जर्स के हाथों पकड़े जाने वाला था, तब प्रोटियस ने वहां आकर मेरी मदद की थी, और तब से हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। मरीना पूछती है कि फिर तुम दोनों अलग कैसे हो गए, और ये सुनकर सिंदबाद उदास हो जाता है और बस इतना कहता है कि लाइफ को शायद यही मंजूर था। आगे हम एरिस को देखते हैं, जो उनके लिए एक और प्रॉब्लम खड़ी करने वाली थी, और कुछ ही देर बाद वो सारा समुद्र फ्रीज होने लगता है। वो लोग उस बर्फ को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक बड़ा सा बर्फीला पक्षी आ जाता है और उन सब पर अटैक करने लगता है। वो लोग उससे बचने की बहुत कोशिश करते हैं, और इसी चक्कर में वो पक्षी मरीना को उठाकर एक पहाड़ पर ले जाता है। वहाँ वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन मरीना किसी तरह बचते हुए खुद को छुपा लेती है। इधर सिंदबाद भी उसे बचाने उसके पीछे जाता है और देखता है कि मरीना एक जगह छुपी हुई है। तभी अचानक वो पक्षी उन्हें देख लेता है, और वो लोग एक शील्ड को स्की की तरह यूज करके नीचे उतरने लगते हैं। पक्षी उन्हें पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन चट्टानों के टूटने से ऐसा नहीं कर पाता, और ये दोनों बचकर नीचे शिप तक पहुँच जाते हैं। पहाड़ी से चट्टानें टूटकर नीचे गिरने लगती हैं, जिससे सामने जमी बर्फ टूट जाती है और उन्हें आगे जाने का रास्ता मिल जाता है। आगे हम उन दोनों को बात करते हुए देखते हैं, जहां मरीना उसे बताती है कि कैसे वो हमेशा से ही समुद्र की लाइफ जीना चाहती थी, लेकिन इसके लिए उसे काफी सारी चीजों को पीछे छोड़ना होगा। उसे खुश करने के लिए सिंदबाद उसे अपना शिप चलाने को बोलता है और बताता है कि मैं और प्रोटियस भी एक टाइम पर नेवी ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन किसी कारण से ऐसा नहीं कर पाए। फिर एक दिन पोर्ट पर एक बहुत बड़ा शिप आया, जिस पर एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, और हम दोनों ही उसे पसंद करने लगे थे। वो बताता है कि वो लड़की तुम ही थी, लेकिन प्रोटियस मुझसे पहले ही तुम तक पहुंच गया, और इसीलिए मैंने वो जगह हमेशा के लिए छोड़ दी। तो यहाँ पता चलता है कि सिंदबाद मरीना को पसंद करता था, लेकिन अपने दोस्त की खुशी के लिए उसने अपने सपनों को तोड़ डाला, और ये सब सुनकर मरीना भी सोच में पड़ जाती है। तभी वो देखते हैं कि उनका शिप उस जगह तक पहुंच चुका है, लेकिन यहाँ तो समुद्र खत्म हो रहा है और किंगडम के गेट तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। सिंदबाद को एक आइडिया आता है, और वो शिप के सेल को विंग्स की तरह यूज करने की सोचता है, क्योंकि नीचे से हवा ऊपर की ओर उड़ रही है। ऐसा लगता है जैसे उनका ये प्लान कामयाब हो जाएगा, लेकिन तभी सेल के हुक टूटने लगते हैं, और सिंदबाद समझ जाता है कि शिप गेट तक नहीं पहुंच पाएगा। वो और मरीना एक रस्सी के सहारे अकेले ही अंदर जाते हैं, और गिरते हुए सीधा एक रेगिस्तान में आ पहुंचते हैं, जिसकी रेत मूव कर रही है। जहाँ उनका सामना एरिस के कुछ दूसरे मॉन्स्टर से होता है, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें नुकसान पहुंचा पाए, एरिस आकर उन मॉन्स्टर्स को भगा देती है और कहती है कि तुम जिंदा यहाँ आने वाले पहले इंसान हो।
सिंधबाद उससे भूखो पीस के बारे में पूछता है और बताता है कि अगर जल्दी ही मैं उसे वापस नहीं लेकर गया तो वो लोग प्रोटियस को मार डालेंगे। ये सुनकर एरिस के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और सिंधबाद समझ जाता है कि एरिस उसे नहीं बल्कि प्रोटियस को ही फंसाना चाहती थी। वो जानती थी कि प्रोटियस सिंधबाद का साथ जरूर देगा और जब सिंधबाद बुक लेकर नहीं लौटेगा तो वो प्रोटियस को मार डालेंगे, जिससे सिराकस के पास अगला कोई राजा नहीं बचेगा और एरिस अशांति फैलाकर उनके राज्य को तबाह कर देगी। वो सिंधबाद को मतलबी और धोखेबाज बोलती है कि प्रोटियस ने तुम पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा किया, लेकिन तुमने उसकी कोई कदर नहीं की और अब तुम उसके प्यार को भी छीनना चाहते हो। सिंधबाद इन सब बातों से इनकार कर देता है, जिस पर एरिस उसे अपने साथ एक गेम खेलने को कहती है, जिसे अगर वो जीत गया तो वो उसे बुक ऑफ पीस वापस लौटा देगी। सिंधबाद को उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता और तब एरिस उसके सामने वचन लेती है और कहती है कि एक देवी होने के नाते मैं चाहकर भी इस वचन को नहीं तोड़ सकती। फिर वो उससे एक सवाल पूछती है कि अगर आज तुम्हें ये बुक नहीं मिली तो क्या तुम प्रोटियस को बचाने वापस जाओगे या फिर मेरीना के साथ किसी सेफ जगह निकल जाओगे। इस पर सिंधबाद कहता है कि हाँ, मैं अपने दोस्त को बचाने वापस जाऊंगा, लेकिन एरिस जानती है कि वो झूठ बोल रहा है और इसीलिए वो उन्हें कोई बुक नहीं देती और अपने किंगडम से बाहर निकाल देती है। सिंधबाद मेरीना से कन्फेस करता है कि एरिस ने मुझे सही पहचाना है, लेकिन मेरीना कहती है कि तुम्हारा और प्रोटियस का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि चोरी तो असल में एरिस ने की है। वो उसे यहाँ से दूर जाने को बोलती है और कहती है कि मैं वापस जाकर सबको सच बता दूंगी, लेकिन तुम्हें इस तरह मरते हुए नहीं देख सकती, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। आगे का सीन सिराकस राज्य का है, जहाँ सिंधबाद को दिया टाइम खत्म हो चुका है और वो लोग प्रोटियस को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, पर तभी सिंधबाद वहाँ आकर उसे बचा लेता है। प्रोटियस उससे बुक के बारे में पूछता है और सिंधबाद बताता है कि मैं उसे वापस नहीं ला पाया, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरी सजा मैं ही भुगतूंगा। उसके बाद वो लोग सिंधबाद को एग्जीक्यूट करने लगते हैं, लेकिन तभी वो तलवार टूटकर बिखर जाती है और हम देखते हैं कि एरिस वहाँ उससे मिलने आई है। वो सिंधबाद पर बहुत नाराज होती है कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन वापस आकर तुमने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। पहले तो सिंधबाद को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर वो रियलाइज करता है कि वो बिना बुक के प्रोटियस को बचाने आया था, जिसका मतलब उसने एरिस की शर्त को जीत लिया है। वो उसे शर्त के मुताबिक उस बुक को लौटाने को कहता है और एरिस को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि उसने सिंधबाद को वचन दिया था। वो सिंधबाद से कहती है कि इस बार तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी, लेकिन आगे तुम्हें बचकर रहना होगा, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर सिंधबाद बुक ऑफ पीस को दोबारा खोलता है, जिससे सारी अशांति दूर हो जाती है और सिराकस राज्य भी पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। आगे सिंधबाद बताता है कि अब वो फिजी में जाकर कुछ दिन आराम करना चाहता है और उसे जाते देखकर मेरीना उदास हो जाती है। प्रोटियस भी उसकी उदासी को नोटिस करता है और समझ जाता है कि वो सिंधबाद को पसंद करने लगी है और अपनी लाइफ उसी के साथ बिताना चाहती है। वो भी उसे अपने दिल की सुनने को कहता है और हम देखते हैं कि मेरीना किसी तरह शिप तक पहुंच गई है। सिंधबाद भी उसे देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि अब तुम्हारी लाइफ एडवेंचर से भरने वाली है। फिर वो लोग अपनी जर्नी पर निकल पड़ते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।